So, जो दो तीन खास बातें हैं रिवीजन की वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से अलग से अपन यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं सो फर्स्ट थिंग कोई भी वेक्टर उसके दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट लिए जा सकते हैं जो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं ठीक है अगर दो कंपोनेंट लेने हैं तो अगर ये एक वेक्टर है ए और ये अगर थीटा बना रहा है इसके साथ तो दिस विल बी थीटा एंड कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, सकते हैं अगर आप एक ऑस्थीटा और साइंथीटा को वैक्टोरली एड करें तो आपको रिजल्ट में ए मिल जाएगा इसे हमने बोला था कंपोनेंट्स ऐसे ही तीन कंपोनेंट्स भी लिए जा सकते हैं थ्री डायमेंशन की हमने बात करी थी अगर एक्स वाई और जेड ये तीन तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे एक्स की तरफ जो होगा वो ए कॉस अल्फा होगा जो वाई की तरफ होगा वो A cos बीटा होगा और जो जेड की तरफ होगा वो ए कॉस गामा होगा ऐसे हमने तीन इसमें

एक्स स्क्स वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमने खास बातें पे की थी और एक बार मैग्नीट्यूड आपने निकालना सीख लिया तो हम यूनिट फैक्टर भी निकाल सकते हैं ये बात भी हमने कर ली थी तो यूनिट अलोंग यानी कैप हमें अगर निकालना है तो ए कैप कैन बी गिवन ए एक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जनरली सिर्फ ए से भी लिखा जा सकता है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं यहां तक हमने सारी बातें कर ली थी आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ़ वेक्टर तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर is 250 meters and the vector makes an angle 53 degree with positive x axis then find out the magnitude of the vector magnitude of the vector and its y component and its y component ye aapka question kya bola hai ki ek koi vector hoga jiska x component 250 meters hai yahan pe vector ka magnitude nahi hai x component ka magnitude 250 meters hai theek hai पर साथ में ये रखा है कि ये जो vector है positive x axis के साथ 53 degrees angle बना रहा है एक्स कंपोनेंट मतलब अलोंग कंपोनेंट होगा ओके okay. तो अपन यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से कि अगर ये X और हैं और यहाँ पे अगर ये ये और और हैं, पे एक वेक्टर है, जो X के साथ 53 डिग्री एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता दिया तो so so बोला गया जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा जो अलोंग एक्स होगा दिस इज एक्स कंपोनेंट इसको मैं लिख सकता हूँ हूं ax एंड दिस इज गिवन एज़ 250 तो आपसे पूछ पूछा गया बताइए a कितना है बेसिकली a का मैग्नीट्यूड मतलब a कितना है और दूसरी बात पूछी गई इसका y कंपोनेंट मतलब ay कितना है ये भी आपसे पूछा गया तो क्या करना चाहिए हम जानते हैं कि अगर एक वेक्टर यहाँ पे है जिसके साथ वो थीटा एंगल बना रहा है उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा a cos थीटा थीटा सही सही तो हमें पता है कि ये जो ax है दिस इज नथिंग बट a cos थीटा दिस ax इज नथिंग बट a cos थीटा ax का मैग्नीट्यूड पता है 250 a का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है और एंगल हमें पता है cos 53 डिग्री 53 के मैंने आपको वैल्यूज कर दी थी अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बताता हूं cos 53 इज 3/5 cos 53 इज 3/5 तो यहां से हम लिख सकते हैं 250 से कितना आ जाएगा टू फिफ्टी इंटू फाइव बाई थ्री विच इज फिफ्टी बाई थ्री बाई थ्री मीटर्स ये अपने पास ए का मैग्नीट्यूड आ गया तो एक तो अपना आंसर ये आ गया दूसरा आपसे पूछा था बताइए कितना होगा ए तो वाई कैसे निकालें ए वाई क्योंकि थीटा यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा वाला जो होता है वो a साइन थीटा होता है जिसके साथ थीटा वो कोस थीटा दूसरा वाला साइन थीटा तो ये हो जाएगा a साइन थीटा a आपने अभी निकाल लिया 1250 बाय 3 इनटू साइन 53 डिग्रीज और साइन 53 होता है 4 बाय 5 जैसे याद रखने आपको हमेशा है क्योंकि बहुत कम आते हैं और क्योंकि इनकी वैल्यू देखिए बहुत स्टैंडर्ड फाइव फोर बाई फाइव कैलकुलेशन को बहुत आसान कर देती है इसलिए कई बार में आपको ये डिग्री एंगल ही मिलने वाला है क्योंकि बाकी सब में याद करो रूट में वैल्यूज आती है कहीं, पे है, कहीं पे है। ऐसा वैल्यूज चलती है इसलिए ये वैल्यूज कई बार आपको मिल जाएगी कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो अब आपको याद होनी चाहिए साइन फिफ्टी थ्री इज फोर बाय फाइव सोल्व करते हैं ट्वेल्व फिफ्टी बाई थ्री इंटू फोर बाई फाइव ये आ जाएगा थाउजेंड बाई थ्री मीटर्स तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया से से ये गया, आ, five से ये थाउजेंड बाई थ्री मीटर्स इज इतना आसान से क्वेश्चन है तो बस आपको अगर कंपोनेंट्स लेने आ चुके हैं तो आप, आप ये सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा आपको रोज के जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ मिल जाती है ना ग्रुप में शेयर हो जाती है यस उन्होंने एक बार बताएंगे मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है आप लोगों से लेकिन दर्शन सर के थ्रू आप लोगों को पीडीएफ मिल रही है क्या जो अपन रोज लेक्चर पढ़ते हैं उसका एनीवन यस और नो नो सर ओके नहीं मिल रही है ठीक है तो मैं आज बात कर लेता हूं दर्शन सर से आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी तो आप अगर कभी लिखते हुए आपका मिस हो जाता है तो चिंता वाली बात नहीं है ये रिकॉर्ड भी होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है और मैं पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ तो आज मैं बात करके पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों ही आपसे शेयर करवा लेता हूं इसकी चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं फाइंड आउट दी कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू एन इंक्लाइन प्लेन टू एन इंक्लाइन प्लेन अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये जो चीज यहाँ पे लिखी गई है ना इसको अपन अपन कई बार बार यूज यूज करने वाले हैं मतलब अनगिनत बेसिक हो जाएगा बिल्कुल इतनी इसको आ, में करेंगे तो फिलहाल यहाँ क्या लिखा गया इस बात को समझते हैं यहाँ लिखा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है इंक्लाइन प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन है ठीक है जो थोड़ा सा उठा हुआ है हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा

ये एक एक्सेस हो गया और ये एक एक्सिस हो गया तो ऐसे दो एक्सेस हो गए इन दो एक्सेस तो मैं बोल देता हूँ दिस दिस तो मैंने आपको कल बताया था कि एक्स और वाई जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो आप उनको कैसे भी रोटेट कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो मेरा रेफरेंस होता है मैं उसे कैसे लू तो यहाँ पे इस बार आपके पास है दिस इज एक्स एक्सेस और दिस इज वाई एक्सिस अब अपने को चाहिए क्या इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स। तो हम जानते कंपोनेंट्स कैसे वो बनेगा इस डायरेक्शन में एक, एक, तो एक कंपोनेंट जो बनेगा वो बनेगा इस डायरेक्शन में, बनेगा, बनेगा इस में। बोला था ना कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर बीच में होना चाहिए आजू बाजू होने चाहिए तभी तो आप पैरोग्राम लॉ को फॉलो कर पाएंगे अगर ये ए कॉस थीटा है लेट्स से यहाँ पेटा आपने, आपने बोला था कि इन दोनों को मिला लो तो ए बनना चाहिए इन दोनों को मिलाओगे हो लॉ से तो ए यहाँ पे बनना चाहिए मतलब जो भी वेक्टर है वो हमेशा बीच में रहेगा और उसके कंपोनेंट्स हमेशा उसके दोनों तरफ रहेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वेक्टर हो गया फोर्स इसके दोनों कंपोनेंट्स इसके दोनों तरफ हो गए

जो टोटल सम ऑफ एंगल्स है वो वन एटी होना चाहिए तो अगर ये नाइनटी हो गया ये थीटा है तो ये 90 थीटा होना चाहिए ठीक है भैया अब एक बात ये समझ में आती है कि ये और ये axis, ये ये और दोनों भी परपेंडिकुलर मतलब ये जो टोटल टोटल एंगल एंगल है दिस इज डिग्री उसमें से ये नाइनटी माइनस थीटा है तो ये बचा थीटा तो यहाँ से समझ में आ गया कि दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा अब अपने बात क्लियर हो गई अब अपने पास क्या आ गया भैया कि ये वेक्टर हो गया ये एंगल थीटा हो गया ये एक कंपोनेंट हो गया और ये कंपोनेंट हो गया इतनी सी बात है अब अपने को समझ में आ गया कैसे इसका कंपोनेंट निकालेंगे दिस इज एम जी दिस इज वन कंपोनेंट दिस अनदर कंपोनेंट दिस एंगल थीटा दिस इज ए वाई दिस इज एक्स हमने क्या पढ़ा था जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा तो ये हो जाएगा आपका एम जी कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा बस ये आपका सॉल्व हो गया ये दो वेक्टर्स आ गए दो कंपोनेंट्स आ गए एमजी कॉस थीटा एंड एम जी साइन थीटा आपसे किधर पूछा गया था आपसे पूछा गया था अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या इंक्लाइन प्लेन इसके अलोंग आपसे पूछा गया था तो बेसिकली आपसे ए वाई पूछा गया है तो ए वाई आप अपना तो आंसर लिख सकते हैं दिस इज ए वाई दिस इज योर आंसर एम जी थीटा खत्म बात एम जी कॉस थीटा और ये जो हमने अभी यहाँ किया ना

अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना सफिशियंट है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जितनी बार ये आएगा मैं हर बार आपको चीजें बेसिक रिवाइज कराऊंगा क्विक रिविजन करेंगे और उसको वहाँ पे यूज करेंगे तो आप इंपोज लर्निंग से इंपोज लर्निंग से बार बार सीखते जाएंगे उसे तो चिंता वाली बात नहीं है फिलहाल कंपोनेंट्स लेना आपने यहां पे सीख लिया है चलिए क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर जस्ट एक रिवीजन के लिए है ये या आप मुझे बताएंगे थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप पूछा गया इसके लिए फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर अलोंग के अलोंग एलोंग यूनिट वेक्टर बताइए जल्दी से आप मुझे बताएंगे यूनिट वेक्टर वैक्टर के अलोंग ए कैप कितना होना चाहिए फॉर्मुला मैंने लिख दिया यहाँ पे ए कैप इज इक्वल टू ए बार बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए जल्दी बता देंगे कितना आना चाहिए आंसर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, थे अभी हमने रिवाइज किया था रूट ओवर एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर क्या आंसर आना चाहिए जल्दी बताइए

4 by 5 j cap. This is the unit vector along a 1 प्लस भाई हमें पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो वन होता है तो ये वन आना चाहिए चेक कर लेते हैं मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो यही है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप चेक करते हैं देखो थ्री बाई फाइव का स्क्वायर प्लस फोर बाई फाइव का स्क्वायर है ना एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या

के तीन वेक्टर्स आपके पास वैक्टर ए वैक्टर बी एंड वैक्टर सी ठीक है बोला गया इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है फाइव इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है फाइव रूट टू और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है अगेन फाइव ठीक है ए की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग ईस्ट बी की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग नॉर्थ ईस्ट और सी की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग नॉर्थ आपसे पूछा गया इन तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट रिजल्टेंट मतलब तीनों को ऐड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ये आपसे पूछा गया तो बेसिकली आपसे पूछा है कि अगर आर वेक्टर वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है साहब से मैग्नीट्यूड ऑफ आर पूछा गया है क्या आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये आपका क्वेश्चन है अब ध्यान से अगर देखो तो मैं यहां तीन वेक्टर बनाऊं एक बनाता हूं ईस्ट की तरफ दिस इज वेक्टर ए अलोंग ईस्ट एक बनाता हूं नॉर्थ की तरफ दिस इज वेक्टर सी इस तरीके से और एक बनाता हूं नॉर्थ ईस्ट की तरफ व्हिच इज दिस वेक्टर बी

दो वेक्टर्स का सम पड़ा हमने पढ़ा वहां पे दो वेक्टर्स का सम पड़ा तीन वेक्टर्स का एक साथ सम करें तो हम पैरेललोग्राम से से या से तो नहीं कर पाएंगे तो या तो दो बार पैरेललोग्राम लगाओ कैसे लगाओगे एक बार आप ए को और बी को ऐड कर दो इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर आप सी के साथ ऐड कर दो एक तरीका तो ये हो सकता है पहले आप ए प्लस बी करो इससे जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऐड कर दो एक तरीका तो ये है बहुत लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा फालतू बात हो जाएगी दूसरा मेथड क्या है कि हम थोड़ा सा दिमाग ल... सीधा सीधा आंसर आ जाता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ी कोशिश करते हैं इसे आई जे में लिखने की तो मानता हूं कि जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है नॉर्थ वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस है दोनों नाइनटी पे होती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो वैक्टर ए ए को मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कोई खास बात नहीं ए कैन बी रिटर्न ए जो है एक्स एक्स एक्सिस की की तरफ है, की तरफ है मतलब आई कैप से लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड फाइव है ए को लिखा गया फाइव आई कैप ऐसे अगर वेक्टर सी की बात करूं तो सी वाई एक्सिस है तो लिखा जाएगा फाइव जे कैप ये भी सीधा लिखा जा सकता है क्योंकि वाई की तरफ होता है जे कैप इस डायरेक्शन में यह है फाइव जे के आप हम आराम से इसको लिख सकते हैं अब बात आती है बी की। इसे कैसे लिखा जाए? ये ना तो पहले बी के ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास बी दिस इज अ बी वेक्टर और ये एंगल बन रहा है फोर्टी फाइव डिग्री तो हम जानते हैं भैया कि इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा बी कॉस जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा दूसरा वाला इसका जो कंपोनेंट आएगा वो बी साइन आएगा और हम जानते हैं कि बी फैक्टर को लिखा जा सकता है इसके दो कंपोनेंट हैं जो कंपोनेंट एक्स की तरफ उसे आई कैप से लिखेंगे जो कंपोनेंट वाई की तरफ उसे जे कैप से लिखेंगे बी का मैग्नीट्यूड पता है फाइव रूट टू का थीटा थीटा डिग्री डिग्री आई कैप प्लस रूट 45 डिग्री जे कैप प्लस जे ये आपको मिल गया सॉल्व करते हैं तो कॉस फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू साइन फोर्टी फाइव इज ऑल्सो वन बाई रूट टू तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएंगे बचेगा यहाँ पे फाइव आई कैप प्लस फाइव जे कैप तो ये आपके पास आ गया वेक्टर बी ये दोनों आ गए ए और सी आपको चाहिए क्या आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्टेंट विल गिव यू ए प्लस बी प्लस सी ए फाइव आई कैप बी फाइव आई कैप प्लस फाइव जी कैप और सी फाइव जे कैप ऐड करेंगे तो आई से आई को ऐड करेंगे और जे को जे से ऐड करेंगे तो क्या था हो गया 10 i कैप प्लस 10 j कैप दिस इज द रिजल्टेंट हमें पूछा क्या गया था हमें पूछा गया था कि बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कितना है तो जो रिजल्टेंट आया r उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें ठीक है वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो हम जानते ही हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट r कैन बी गिवन एज़ √10² 10² व्हिच इज 10√2 आपने कन्वर्ट कि किया आई और जे में और उसके बाद उसका सम किया क्योंकि आई जे में सम करना बड़ा आसान होता है आई को आई से जोड़ो जे को जे से जोड़ो सम करना बड़ा आसान है वहां पे और उसके बाद आपने ने रिजल्टेंट निकाला उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे बता दिया सो दिस मेथड बाय मैथमेटिकल मींस इट इज वेरी इंपोर्टेंट और वेरी सिंपल एज़ वेल ओके तो अब अपन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की तरफ चलिए अपना जो उसमें लास्ट टॉपिक है मेनली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स किसी भी वेक्टर को प्रोडक्ट करने के या मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हो सकते हैं पहला जो तरीका होता है उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट दूसरा जो तरीका होता है उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या क्या हैं इस बारे में बात करेंगे अभी तो सबसे पहले अपन समझते हैं स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट क्या है तो अपना जो पहला टॉपिक इसमें रहेगा वो रहेगा स्केलर प्रोडक्ट का इसे क्या आपने बोला डॉट प्रोडक्ट तो मैं फिर से बताता हूँ कि ये एलजेब्रा नहीं है जिसमें आप फाइव इंटू टू करो के टेन मिल जाएगा नहीं जैसे आपने सम किया था उसमें भी अलग अलग मिल सकते थे डिपेंडिंग the the तो वो अपने को याद रखनी है आपको मतलब सीधा याद रखना है फॉर्मूला इसका जो कहता है product, A B. मैंने यहां क्या लिखा दो वेक्टर्स हैं एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है और कैसा प्रोडक्ट करना है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट नाम इसका डॉट आया क्योंकि हम यहाँ पे बीच में डॉट साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रोडक्ट को सो ए डॉट बी इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला और यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ दिस स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा जहां पे आप क्या कर रहे हैं ए वैक्टर और बी वैक्टर इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं बेयर दिस ए इज मैग्नेट्यूड ऑफ वैक्टर दिस बी इज मैग्नेट्यूड ऑफ वैक्टर बी एंड दिस थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये अपने को ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हो गई कि अगर ए और बी ऐसे दो वैक्टर्स हैं जिनको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन आती है ए बी कॉस थीटा से मतलब ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है अब एक बात यहां से समझ में आती है कि जो सारी की सारी बात है वो कॉस्ट थीटा पे डिपेंड करती है कि जिस हिसाब से थीटा वेरी करेगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी तो जैसे अगर मैं दो फैक्टर्स ले लू एक फैक्टर है ए और एक फैक्टर है बी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा टेल टू तो टेल अरेंज करके छोटा वाला एंगल वैसे ही देखते हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा अगर ये थीटा को मैं चेंज करता हूं

पहला केस हम इसमें देखें वन थीटा इज जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री के बीच में हो थीटा कहां से कहा हो जीरो से नाइन्टी के बीच में मतलब एक्यूट एंगल हो बेसिकली बात क्या हो रही है यहाँ पे एक्यूट एंगल की तो सोचो कॉस जब जीरो से नाइन्टी के बीच में होता है तो होता है पॉजिटिव है ना हमने पढ़ा था यहाँ पे ये जीरो से नाइन्टी एंगल तक यहाँ पे सारे

थीटा इज मोर देन डिग्री कैसा एंगल है? है और हम जानते हैं कि जब थीटा जीरो से नाइनटी बीच मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा इस क्वार में साइन पॉजिटिव है पर कॉस नेगेटिव है हम कॉस की बात कर रहे हैं कॉस नेगेटिव है तो जैसे आप सेवन एटी ऑप ट्यूज एंगल यहां पर रखेंगे वैल्यू और हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी का जो आंसर आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू वैल्यूगी ठीक है ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आपको पेंडिक्युलर टू इचेतर दोनों के बीच में 90 होना, दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो क्या होगा 90, कौस 90 जीरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्वेश्चन सीधा इस पे आता है बोलेंगे कि दूसरा वेक्टर है बी वैक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बोले कि दोनों परपेंडिकुलर है बताओ और वाई की वैल्यू कितनी होगी अब क्या करोगे बोला दोनों परपेंडिकुलर बताओ जो बी में नोन था और वाई उनकी वैल्यू बताओ तो क्या करना होगा हमें हमें उनका डॉट प्रोडक्ट करके जीरो करना होगा तो ये कंडीशन वहां चमकनी चाहिए कि भैया अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब उनके जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए ये बात अगर वहां चमकी तो हम डॉट प्रोडक्ट करके जीरो करके इक्वेशन निकाल लेंगे उसको सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन छे गए हैं और कई बार काम भी आता है आगे तो ये इक्वेशन या ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है और कंडीशंस की अगर बात करें